खर्चा इन्होंने भी किया है, खर्चा इन्होंने भी किया है। आज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी कार में खर्चा करना वर्थ है। फिर से प्राउडली आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं वी लाइन प्रो एंड एटिका मॉडिफाइड इन द बजट। रियर प्रोफाइल से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा दोस्तों। ये स्टॉक कंडीशन में है, ना ही इसमें बॉडी किट लगी है, ना ही हमने टेल लाइट्स इंस्टॉल की है, और ये जेन्युइन स्पॉइलर है। आज मौका भी मिल गया दोनों गाड़ी एक साथ करने का और डिफरेंस भी बताने का, कलर भी वाइट है दोस्तों। ये कार में हमने स्टनिंग स्पॉइलर इंस्टॉल किया है जो मेड इन इंडोनेशिया के आता है, प्रॉपरली होल मार के लगता है और स्टैंड आउट आप लोगों के सामने। इसमें जेन्युइन स्पॉइलर हमने इंस्टॉल किया हुआ है, डिफरेंस आप लोगों के सामने। अब आते हैं द मेन अट्रैक्शन, द मेन स्टैंड आउट, टेल लाइट से। ये कार में इंफिनिटी टेल लाइट्स हमने इंस्टॉल की है, वो भी स्मोक कलर की। व्हाइट कलर की कार में जो स्मोक कलर में जो स्टैंड आउट आता है वो कुछ अलग है। इसके मैं हर वक्त बोलता हूँ, जो पार्किंग मोड्स आते हैं वो ब्रॉडर आते हैं, सेट ऑफ 7 पीसेस की आपको आती है विद द मैट्रिक्स इंडिकेटर के साथ आपको आते हैं, लेकिन ये टेल लाइट के साथ स्टैंड आउट कुछ और है। मैं हर वक्त जब बोलता हूँ ना वी लाइन प्रो का 100 एटी का चले और वी लाइन प्रो पहचाननी है तो आपको इस तरीके से आपको पहचाननी पड़ेगी। डिकी का पैनल भी हमने चेंज किया हुआ है। रियर में ये कार में हमने बॉडी किट इंस्टॉल नहीं की है। वी लाइन प्लस की बॉडी किट हमने ये कार में इंस्टॉल की है, वाइट सैटिन एंड ब्लैक कलर की, जो 3 कलर की बॉडी किट हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है। रियर प्रोफाइल ऑफ द कार आप लोगों के सामने है। मैं बोलूंगा दोस्तों एक 5 सेकेंड सिर्फ एडमायर कीजिए। 3 ही चीज़ें हमने की है, एक स्पॉइलर, टेल लाइट और बॉडी किट, और ये कार, ये वही कार है, ये हमारी VXi है, ये ZXi है, लेकिन रियर में आप लोगों के सामने है। साइड प्रोफाइल में हमने ये कार 2-टोन की हुई है, वाइट एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। बॉडी रूफ रेल्स हमने ये कार में इंस्टॉल की है एंड साइड की जो स्कर्टिंग है वाइट सैटिन एंड ब्लैक के साथ, डोर वाइजर, लोअर विंडो गार्निश वगैरह हमने इंस्टॉल किया ही नहीं है। साइड प्रोफाइल विद द बॉडी किट आप लोगों के सामने और व्हीकल की फिल्म हमने ये कार में इंस्टॉल की है। रियर हो गया, साइड हो गया, अब आते हैं फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में। फ्रंट प्रोफाइल में बॉडी किट, एक बॉडी किट कितना बड़ा रोल प्ले करती है फॉर द स्टैंड आउट वो आप देख ही चुके हैं। बॉडी किट वी लाइन प्लस की वाइट, ब्लैक एंड सैटिन विद द डायमंड DRLs के साथ हमने इंस्टॉल की है। क्रिस्टल DRLs हमने इंस्टॉल नहीं की हुई है ये कार के अंदर, खाली एक हेक्सागन रिंग हमने इंस्टॉल की हुई है, क्योंकि दोस्तों क्रिस्टल DRL की इतनी डिमांड आप लोगों ने दी है तो स्टॉक था नहीं, लेकिन आएगा वापस धमाके के साथ, मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा और एक नवी DRL आपको आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। अभी जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं, ये जो प्लास्टिक की ट्रिम्स है, एक पियानो ब्लैक करने से भी कितना बड़ा रोल प्ले होता है दोस्तों। तो आज तो कमेंट सेक्शन पूरा भर ही देना और बता देना इन्वेस्टमेंट किस में करनी चाहिए। इंटीरियर काफ़ी शानदार किया हुआ है, प्लेयर हमने इंस्टॉल किया है, मैं वो सब आप लोगों को बताऊँगा। इंटीरियर प्रोफाइल में ब्लैक विद द पर्शियन ग्रीन की इंटीरियर स्टाइलिंग किट जो 2-टोन की आती है हमने ये कार में इंस्टॉल की हुई है। सेंटर की भी इंटीरियर स्टाइलिंग किट जो 2-टोन की है आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वॉल ड्रॉप जर्मन लेदर की 2-टोन की हमने लेदर रैपिंग की है, लेकिन 2-टोन नहीं है दोस्तों, 3-टोन है, ध्यान से देखिए। एलमेंट कलर की पाइपिंग भी हमने इंस्टॉल की हुई है। पिल्लर ए ब्लैक पर्शियन ग्रीन विद द एलमेंट पाइपिंग के साथ है, लेकिन मैं बोलता हूँ इंटीरियर का गेटअप कब आएगा, जब आप सॉफ्ट ब्लैक कलर का टॉप करोगे दोस्तों। ब्लैक कलर के टॉप के साथ इंटीरियर, चाहे पर्शियन ग्रीन लीजिए, ब्लू लीजिए, एलमेंट लीजिए, वॉलनट कीजिए, गेटअप इसी के साथ आएगा। पर्शियन ग्रीन कलर की द सुप्रीमो एडिशन के सीट कवर हमने इंस्टॉल किए हैं, लेकिन ये कार में थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है, एलमेंट कलर की हमने पाइपिंग यूज़ की हुई है। सेंटर आमरेश की भी फिटमेंट आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टेयरिंग का सॉफ्ट लेदर का स्टेयरिंग रैप है। क्लस्टर की भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मीटर की हमने लेदर रैपिंग वर्क किया है। हॉर्न पैड का है। एक्टिव एम्बियन लाइटिंग भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है, लेकिन जो एक्टिव एम्बियन लाइटिंग जो एटमॉस्फियर बनाती है नाइट टाइम में क्या दिन में, इसकी कुछ बात ही कुछ और रहती है। टॉप गियर की हमने ब्लैक विद द पर्शियन ग्रीन की मैटिंग भी इंस्टॉल की है। ये कार के अंदर हमने लैमिनेशन किया ही नहीं है, लेकिन इंटीरियर स्टाइलिंग किट, डैशबोर्ड रैपिंग, पिलर और सॉफ्ट ब्लैक के साथ कुछ अलग ही है। इंटीरियर बाय द विग ऑटो, उसकी भी कुछ बात कुछ और ही रहती है।
अब रियर में भी दोस्तों सीट कवर सेम कलर की मैट्स ऑल द पिलर रैपिंग के, और जो टॉप ब्लैक कलर की एक एक हमारी फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। ये भी कार के अंदर हमने सेम इंटीरियर पर्शियन ग्रीन कलर का हमने इंटीरियर किया हुआ है। टू टोन की इंटीरियर स्टाइलिंग किट हमने इंस्टॉल की हुई है। पर्शियन ग्रीन कलर के वी लाइन एडिशन के हमने सीट कवर है, मैटिंग है, लैमिनेशन किया हुआ है हमने, और 4GB रैम का प्लेयर विद द अल्ट्रा HD कैमरे के साथ आता है, हमने वो भी ये कार के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। और चारों डोर्स में हमने कंपोनेंट डैम्पिंग एवरीथिंग वी हैव डन इन दिस कार दोस्तों। आज वीडियो शूट भी सेंटर में खड़े होके लिया और इंटरव्यू भी सेंटर में खड़े होके ही लूंगा। प्राउड ओनर वी लाइन प्रो के प्रतीक हमारी महाराष्ट्र की कार है अभिमन्यु फ्रॉम गुजरात। सर से एक रिव्यू लेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, और छह घंटे में हमने पूरी वी लाइन प्रो भी रेडी कर दी, इनकी भी कार रेडी कर दी है। दोनों का एक एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, तेरे से शेयर करना चाहेंगे। बहुत सही से जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है, मतलब कहीं पे मैं मतलब उंगली भी नहीं कर सकते कि ये मतलब गलत है बोल के, पूरा जो भी किया है फुल डेडिकेशन के साथ हुआ है, जो भी काम हुआ है और बहुत सही से किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या बोलेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैंने काफी टाइम से जब गाड़ी लिया तब से मैंने वेट किया था कि मैं बनाऊंगा गाड़ी तो तनवीर भाई के पास मुंबई जाके बनाऊंगा, और फाइनली आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो मैंने जितने टाइम मैंने वेट किया 6 मंथ या मेरे मोर देन 6 मंथ, तो वो वर्थ है। आज देखने के बाद मैं खुद नहीं पहचान पाऊँ कि ये मेरी गाड़ी है ऐसा करके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका फीडबैक हमारी तरफ से बहुत बढ़िया रहेगा सर, और हम तो आपको इंडिपेंडेंस डे के पहले ही आपको सैल्यूट करते हैं। हम भी आपको सैल्यूट, सबको बहुत 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 इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामना है। 75 ईयर्स हो गए हैं तो सबको बहुत बहुत बधाई हो वो चीज के लिए। अंकल कैसा रहा? बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश हूँ मैं। मुझे मैं तुम्हारा वी लाइन का वीडियो मैं 4 महीने से देख रहा हूँ, और मुझे जो चाहिए था वो आपने दे दिया है, बिल्कुल फुलफिल हो गया हमारा। थैंक यू। ये सब साइड में, लेकिन बहुत बड़े मैं दोनों को थैंक यू बोलना चाहूंगा, दोनों पापा को, क्योंकि दोनों पापा ही वीडियो देखते थे, इन्होंने ही सिलेक्ट किया कैसा इंटीरियर करना है वी लाइन प्रो। अंकल तो सुबह आए वी लाइन प्रो बना दो मेरी गाड़ी, तो हमने बना दी। सर का भी बहुत बढ़िया हमने काम किया हुआ है, तो दिल से थैंक यू। आज का वीडियो एक डिफरेंस बताना था। मैं हर वक्त जो आप लोगों को बोलता हूँ वी लाइन प्रो में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टैंड आउट क्यों आना चाहिए, अभी आप लोगों के सामने है डिफरेंस भी, आप लोगों के सामने गाड़ी एटिका भी वही है, कलर भी वही है, सब आप लोगों के सामने। ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगा है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स।